इस क्वेश्चन के अंदर एक दो बल्ब है और एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है और एक बैटरी है. क्वेश्चन नंबर वन, विच बल्ब लाइट्स अ ब्राइट एंड अर्लियर. जब मैं स्विच को क्लोज करूंगा, मैं इसको बटन को दबाता हूं, कौन सा बल्ब पहले ऑन होगा? इंडक्टर तो देखो हमेशा नाराजी रहेगा. इंडक्टर को तुम कहते हो मैं दबाऊंगा करंट बढ़ेगा, इंडक्टर तुम करंट बढ़ाओगे, कोई टेंशन में बढ़ने नहीं दूंगा. शुरू में तो उसने झगड़ा करना ही करना है तुम्हारे करंट के साथ. तो जब करंट बढ़ेगा, इंडक्टर कहता है मैं तो करंट बढ़ने दूंगा नहीं, करंट कहता है देखो मैं तो जाना तो है ही है, कोई बात नहीं, तेरे अंदर नहीं जाऊंगा, इसके अंदर चला जाऊंगा. तो ठीक है, बल्ब कौन सा ऑन होगा? रजिस्टर. रजिस्टर तो कुछ कहता ही नहीं है, वो तो उसमें सेल्फ इंडक्शन होती नहीं है, इंडक्टर में होती है. तो जैसे ही ऑन करोगे तो इंडक्टर करंट को अपोज करेगा, तो सारा करंट किस में से निकल जाएगा? रजिस्टर में से. तो नीचे वाला बल्ब पहले ऑन होगा. पहला पॉइंट क्लियर है. दूसरा, विल टू बल्ब बी इक्वली ब्राइट आफ्टर सम टाइम? यस, क्योंकि थोड़ी देर के बाद करंट कॉन्स्टेंट हो जाएगा. जब कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इंडक्टर सेल्फ इंडक्शन लगाना बंद कर देगा, तो फिर दोनों में करंट बराबर जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्राइटनेस सेम हो जाएगी. ठीक, इसके अंदर एक बल्ब है और एक इंडक्टर है और बैटरी है. तो इसके अंदर हाउ डज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोर कॉइल चेंजेस व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल डिक्रीजेस? एयर कोइल कंडक्टर इंडक्टर ही है, तो इंडक्टर में अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाता हूं तो उसकी एल की वैल्यू कैसे चेंज होती है? एल का फॉर्मूला ये रहा, अगर एन बढ़ेगा तो एल भी बढ़ेगा, खत्म. और अगर एन कम होगा तो एल भी कम होगा. तो पहला पार्ट तो बिल्कुल एल के फॉर्मूले पे है. इसी में दूसरा पार्ट है, आयरन रॉड इज इंट्रोड्यूस इन अ कॉइल. जब आप इसमें आयरन रॉड डाल देंगे तो एल के फॉर्मूले में म्यू नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? म्यू आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया. तो एल की वैल्यू बढ़ जाएगी, कितनी वैल्यू से बढ़ जाएगी? म्यू आर से बढ़ जाएगी. तो ये भी पार्ट क्लियर है. इसी के अंदर, इसके अंदर ये वाला पार्ट पहले करते हैं. कॉइल क्यू इज कनेक्टेड टू लो वोल्टेज बल्ब बी. एक कॉइल है, बी बल्ब है, पड़ोस में एसी सोर्स है और पी दोनों इंडक्टर्स हैं. इसमें कोई करंट ना था, ये तो बस ऐसे ही पड़ा था. आपने इसमें करंट चेंज किया क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा. जैसे इसका करंट ज्यादा होगा, इसका बी बढ़ जाएगा, ये बी इसका बी बढ़ा देगा. ये बैठा बैठा कहेगा अच्छा तुमने मेरे बी बढ़ाया, ऐसे कैसे बढ़ा दिया, मैं अब अपने करंट पैदा करूंगा, तुम्हारे बी को अपोज करूंगा, बल्ब ऑन हो जाएगा. क्लियर है? बल्ब क्यों ऑन हुआ? क्योंकि फ्लक्स किस करंट किसमें पास किया? प्राइमरी में. तो म्यूचुअल इंडक्शन से, वर्ड यूज करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन से, फ्लक्स किसका चेंज हुआ? क्यू का, जिससे कि सेल्फ इंडक्शन, जिससे कि इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुई और क्यू बी जो है वो ऑन हो गया. और अगला पार्ट है इसका कि अगर मैं इसको खींचता हुआ लेफ्ट ले जाऊं, फिर बल्ब की ब्राइटनेस का क्या होगा? ब्राइटनेस डिम होगी, क्योंकि जितनी क्लोज होंगी क्वाइल्स म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना ही स्ट्रांग होगा. दूर जाएंगे एम कम हो जाएगा और इन द एंड क्या हो जाएगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा. क्लियर है यहां तक? तो कैसे सोचते हैं, समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये हो गया. और लास्ट क्वेश्चन है कि अगर इस मैग्नेट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में आता है ये बोर्ड के पेपर में, अगर एक मैग्नेट को इसमें घेरा जा रहा है एक कॉइल में, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है वेरिएशन ड्रॉ करो ईएमएफ की. इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगी सेल्फ या सेल्फ ईएमएफ, तो इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगी वो टाइम के साथ कैसे अपनी वैल्यू को चेंज करेगी? या तो ये ग्राफ प्लॉट करना आएगा या एक्सप्लेनेशन पूछेगा, ये ग्राफ है बताओ इसको एक्सप्लेन करो ये ग्राफ ऐसा क्यों बना. स्लो मोशन में मैग्नेट गिर रही है, पास आ रही है, एंटर कर गई, मिड पॉइंट में आ गई, बाहर जानी स्टार्ट हो गई और बाहर हो गई, बिल्कुल बाहर खिसक गई. ठीक है, जब वो पास आ रही है ईएमएफ बढ़ेगी, सेंट्रल पॉइंट पे आते ही ईएमएफ कम हो जाती, जीरो हो जाती है, क्योंकि सेंटर वाला पॉइंट है. जब मैग्नेट बिल्कुल सेंटर पे आता है, ना तो वो आने की कैटेगरी में ना वो जाने की कैटेगरी में, तो फॉर एन इंस्टेंट ईएमएफ यहां पर जीरो आ जाती है. तो सोचो पहले ईएमएफ ज्यादा थी, फिर ईएमएफ क्या हो जाएगी यहां पे आते जीरो हो जाएगी. ये देखो पहले ईएमएफ बड़ी थी और फिर क्या हो गई थी? जीरो. अब क्या हुआ? मैग्नेट मिड पॉइंट से नीचे खिसक रहा है तो ईएमएफ फिर बढ़ेगी, क्योंकि कॉइल जो है मैग्नेट को दूर भी नहीं जाने देगा. अब ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी. जब मैग्नेट पास आ रही है तो ये क्वाड्रेंट, जब दूर जा रही है क्वाड्रेंट उल्टा हो गया. तो जब मैग्नेट दूर जा रही है तो ईएमएफ बढ़ेगी इन उल्टी डायरेक्शन, फिर बहुत दूर चली जाएगी मैग्नेट, ईएमएफ क्या हो जाएगी? जीरो, ये वापस जीरो. तो ग्राफ की वेरिएशन आती है ड्रॉ करने को, ये याद कर लेना ग्राफ की वेरिएशन इसमें.